नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका दिल से स्वागत है इन व्हाट्स कुकिंग विद शची। तो आज मैं आपको व्रत के अवसर पे क्रंची मंची स्नैक्स लेके आई हूँ, केले के चिप्स। जी हाँ, ये मिनटों में बनते हैं, झटपट बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो करना क्या है, वीडियो को छोटा सा है, ध्यान से देखना है, इसे बनाना है, लाइक करना है पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा लगा। और हाँ, प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे और हमारा बार बार मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा, मैं शची गर्ग से चलती हूँ किचन की ओर और बनाते हैं केले के चिप्स इन व्हाट्स कुकिंग विद शची। व्हाट्स कुकिंग विद शची में आज नवरात्रि के अवसर पे हम बना रहे हैं हेल्दी स्नैक्स। थोड़ा ऑयली है पर ये केले, कच्चे केले का बना हुआ है और कच्चे केले में बहुत फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत टेस्टी होता है। तो करना क्या है, केले को लेना है, छीलना है और ऐसे लंबे पतले पतले हमने स्लाइस कर देने हैं। देखिए, ऐसे पतले पतले हमें स्लाइस कर देने हैं। गरम कर लिया, देखिए ज्यादा एकदम हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो एकदम काले पड़ जाएंगे। और इसको आराम से, जिससे आपके ऊपर तेल झटक के ना आए, इसको हम फ्राई करते जाएंगे। ये जितना पतला काटेंगे उतना ही अच्छा आपका बनेगा। आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और ये कुरकुरे हार्ट टाइप के हो गए हैं। देखिए, ये हार्ट टाइप के हो गए हैं, तो इनको हम अब गैस फ्लेम हल्की कर लेंगे, क्योंकि ये निकलने के बाद अपनी गर्माई से भी सिकेंगे। तो इनको अब हम निकाल लेंगे और दूसरा लॉट तल लेंगे। मिनटों में तैयार हो गया हमारा क्रंची मंची व्रत के लिए स्नैक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास हो तो पुदीना जो सूखा हुआ होता है वो डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि व्रत में पुदीना खाते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, और हम डालेंगे हल्की सी काली मिर्च स्वाद अनुसार। और इसको हम अच्छे से अपने दोनों हाथों से गरम गरम में ही मिक्स कर देंगे, जिससे मसाला अच्छे से चिपक जाए। ये है हमारे यमी क्रंची मंची मिनटों में तैयार होने वाले स्नैक्स। व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए और घर वालों को घर के खाने की आदत डालिए। तो इसी उम्मीद से कि आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं शची गर्ग सिंह इस समय विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इन व्हाट्स कुकिंग विद शची। नमस्कार।